सर्विस सेंटर शोरूम में मौजूद हैं और हमारे यहाँ के ओनर हैं, उनसे हम बात करेंगे यहाँ किस प्रकार से काम किया जाता है, किस चीज़ का सर्विसिंग किया जाता है और बाज़ार से कितना उचित मूल्य पर यहाँ पर काम किया जाता है। तो अभी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका BNP न्यूज़ के चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका सर? राहुल कुमार। किस चीज़ का सर्विसिंग किया जाता है यहाँ? MyTVS जो सर्विस सेंटर अभी जो गांधी शिक्षण संस्थान रतनपुर में खुला हुआ है बेगूसराय में पहली बार। सबसे पहला बात ये मैं आपको ये बता दूं, ये MyTVS, ये महिंद्रा और TVS मिलकर के कंपनी बनाई है, जो जो कि MyTVS है। और MyTVS माँ जगदम्बा इंटरप्राइज के तहत काम होता है यहाँ पे। यहाँ पे सभी कंपनी की, सभी मोटरसाइकिल, सभी स्कूटी का सर्विस किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको ओरिजिनल पार्ट्स अवेलेबल है, जो भी कंपनी का बाइक है उसका हम लोग डायरेक्ट डिपो से पार्ट्स बिलिंग कराते हैं, जो कि ओरिजिनल, मतलब यहाँ पे कोई ऐसा आपको ओरिजिनल कंपनी का मिलेगा नहीं, जो भी है ओरिजिनल कंपनी का मिलेगा। इसके तहत इसके बाद आपको यहाँ पे इंश्योरेंस, सभी कंपनी की, सभी गाड़ी का इंश्योरेंस किया जाता है। उसके बाद इंश्योरेंस के तहत सभी कंपनी का इंश्योरेंस के तहत कैशलेस सर्विस किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया फिर ये सिर्फ दो भैया वाहन जो नहीं, है, सिर्फ दो चक्के की गाड़ी, दो जो चक्के की हाँ गाड़ी, तो मोटरसाइकिल, स्कूटी, बुलेट वगैरह जो भी ये है, इसमें टू व्हीलर। TVS कंपनी का ही किया जाता है या कि अलग अलग नहीं कंपनी जो नहीं अभी है, यहाँ तो पे आप सारे कंपनी का, हीरो का करा लीजिए, रॉयल इनफील्ड का करा लीजिए, उस TVS का सभी का जो पार्ट पुर्जा होता है जी, वो यहाँ पर ओरिजिनल उपलब्ध है या कहीं ओरिजिनल बाहर से लाया नहीं, पड़ता है? ओरिजिनल उपलब्ध है और कंपनी के डिपो से माल आता है यहाँ पे, अच्छा, ठीक है। ये कंपनी का है, ये महिंद्रा और TVS कंपनी का है। पहले ये महिंद्रा का महिंद्रा फर्स्ट चॉइस हुआ करता था, अच्छा इसी जिस को TVS कंपनी से जोड़ दिया गया जोड़ है। दिया गया, और इसमें क्या जो मतलब इसमें TVS शेयर लेकर के MyTVS कंपनी बनाया गया। यह जो है शोरूम कितने बजे खुल जाती है? ये सुबह खुलने का समय है 8:30 और और बढ़ाने का समय है 7 बजे 7 बजे। जी। इतने बीच में कितने संख्या में जो मिस्त्री लोग हैं और जो असिस्टेंट होंगे, कैश वगैरह, कितने संख्या के लोग काम कर सारे रहे हैं? स्टाफ अभी यहाँ पे 15 स्टाफ हैं हमारे यहाँ, अकाउंट का, कैश का, सेल्स में, अकाउंट में, इसके बाद पार्ट्स इंचार्ज हो गए, मैकेनिक हो गए, स्वीपर हो गए, वॉचमैन हो गए, सारे मिला के 14 से 15 स्टाफ हैं। सर्विसिंग का जो पार्ट पुर्जा होता है या सर्विसिंग की जो सुविधा होती है, मशीन द्वारा किया जाता है कि हाथों के द्वारा? ऑटोमेटिक आपने देख रखा है, ऑटोमेटिक सारा मशीन मेरे पास है, अच्छा, जो भी है मैनुअल कोई काम नहीं है, सारा मशीन के द्वारा। काम में आता है मशीन ये स्पार्क प्लग साफ होता है, जो गाड़ी में जो प्लग रहता है। जैसे बड़ा प्लग लगाना है बुलेट को या कोई भी गाड़ी का, जैसे बड़ा प्लग रहता है उसको लगाने के लिए इसका चेंज करना पड़ता है। आप बैटरी का वोल्टेज चेक कर सकते हैं, कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, RPM चेक कर सकते हैं इससे भी, और उसके बाद फिर गाड़ी का भी कोई सब कॉइल का वोल्टेज जो होता है, रेजिस्टेंस, वो सब चेक कर लेते हैं इससे। ये मल्टी ये सर्विसिंग करने के बाद चेक किया जाता है कि पहले चेक किया? ये प्रॉब्लम जब आता है तो तभी यूज करते हैं, प्रॉब्लम नहीं है तो कुछ नहीं आता। किस तरह से चेक किया जाता है? जैसे गाड़ी में जैसा कोई सा वायर फोल्ड हो गया या फिर जैसा कॉइल मेरा खराब होगा, उसका रेजिस्टेंस हमको नहीं पता है, जैसे कॉइल का कौन कॉइल खराब है उसको मशीन के जरिए चेक किया, मशीन से चेक कर लेते हैं तो पता चल जाता है। और यहाँ पर विशेष क्या सुविधा है मशीन में? RPM सेट करने का, तो इससे हम गाड़ी को स्पार्क प्लग के वायर में, जैसे इसको हम स्पार्क प्लग में लगा दिए हैं जी, उसके बाद फिर हम इसको रीसेट कर देते हैं, रीसेट हो गया है तो इसका RPM 1150 प्लस माइनस हो रहा है, और इसका RPM रहना चाहिए 1350 से लेकर 1450 के बीच में। RPM क्या होता है? RPM गाड़ी का इंजन का टम जो होता है ना,
स्पीड, उसी को आरपीएम बोला जाता है। अच्छा, माइलेज और स्पीड मिला के अलग हो गया है, आरपीएम अलग अलग हो गया है। जिससे हम इसको आरपीएम सेट कर सकते हैं, जैसे गाड़ी आपका आरपीएम कम रहेगा तो गाड़ी का वोल्टेज होता है, वोल्टेज कम पड़ेगा, गाड़ी में प्रॉब्लम आएगा, यही सब होता है। आरपीएम सेट रहता है तो गाड़ी भी शुरू चलता है, यही सब। तो यहाँ से हम अभी आरपीएम को आगे बढ़ाएंगे तो फिर यहाँ रीडिंग मिल जाएगा। आगे जा रहा है, सब गाड़ी का अलग अलग होता है, सब गाड़ी का नहीं, सब गाड़ी का सेम ही होता है, सबका सिर्फ आरपीएम आगे पीछे रहता है, किसमें कितना सेट करना है। कितने दिन पर ये चेक करवाना चाहिए ये सब चीज़? ये सर्विस पे चेक करते हैं, सर्विस पर, जब सर्विस हो तो सब कुछ चेक करते हैं। ये हो गया मेरा हवा मशीन, जिससे हम फिल्टर को और पूरा जितना भी मेरा काम होता है, गन उन जो चलाते हैं, इसमें चेन क्लीन होता है, जैसे गाड़ी से चेन की सफाई करते हैं, उसके बाद फिर माइल डालते हैं, गाड़ी में लगाया जाता है, उस चीज़ का ये मशीन है। ये भी क्लीन, ये किस चीज़ का मशीन है? फिल्टर साफ करने का मशीन। क्या चीज़ का? एयर फिल्टर। हाँ, इसमें हम जैसे गाड़ी में जो बैटरी का लगा हुआ जी, उस बैटरी 9 LV 4 LV 2 LV जितना भी है, सारा बैटरी इसमें चार्ज 3 पॉइंट का है, एक बार में 3 बैटरी चार्ज कर सकते हैं। अच्छा, यही बैटरी चार्ज। इसको माइनस में देते बैटरी से कनेक्शन जोड़ दिए। 4 LV का बैटरी है तो 4 पे सेट करना है, 5 LV का बैटरी है तो 5 पे सेट करना है, 7 का है तो 7 पे, 9 है तो 9 पे, सबको यहाँ से सेट किया जाता है। सिर्फ TVS गाड़ी का किया जाता है या किस चीज़ का यहाँ काम हो रहा है? यहाँ पर आपके यहाँ इस काउंटर पे जी जो अंदर में पार्ट प्रोजेक्ट का काम होता है उसका बिलिंग होता है। अच्छा, क्या नाम हुआ मैडम आपका? किस चीज़ का कार्य आप यहाँ पर कर रहे हैं? कितने बजे तक यहाँ पर कार्य आपका? यहाँ पर जो अभी 9 से 5 है, किस संबंधित से लोग आप लोग के पास यहाँ पर आते हैं? इंजन ऑयल जितना भी लेते हैं आप, साल में जितना बार भी इंजन ऑयल उस गाड़ी के लिए लेते हैं, उसमें आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाता है। ये स्कीम कितने दिन तक अभी है? ये अभी तो चालू हुआ है। अच्छा, देखिए वो तो कंपनी का इच्छा है कब तक रहे। और दूसरा चीज़ है, इसमें आपको पूरा मैं बता रहा हूँ, 849 अगर आप देते हैं तो 3 साल भर में 3 सर्विसिंग फ्री है, ठीक है। इंजन ऑयल में 10% डिस्काउंट है, इसके अलावा पार्ट्स में आपको छूट दिया जा रहा है। लेबर चार्ज में जैसे इंजन के अलावा, मतलब सर्विस के अलावा जो भी साल भर में इंजन का वर्क कराते हैं या अदर वर्क कराते हैं, तो मैकेनिक चार्ज में भी 25% डिस्काउंट आपको मिलेगा। इसके अलावा साल भर में 4 सर्विसिंग, वॉशिंग, पॉलिश, सॉरी 4 वॉशिंग और पॉलिश फ्री में मिलेगा। इसके अलावा अगर आपकी गाड़ी 10 किलोमीटर के अंदर कहीं भी बंद हो गई हो तो यहाँ पे अगर कॉल करते हैं तो मेरा मैकेनिक यहाँ से जाएगा आपके घर तक, आपके जहाँ भी आपका गाड़ी है 10 किलोमीटर के अंदर, वो फ्री में स्टार्ट कर देगा, वो भी 1 साल तक फ्री रहेगा, उसका कॉस्ट नहीं लिया। हाँ, 10 किलोमीटर तक का कहीं भी आप एरिया में हैं, अगर EMC लिए हुए हैं तो आपकी गाड़ी को मेरा मैकेनिक जो अभी बताया MCV जो है वो लिए होंगे तब जाएंगे मिस्टर। हाँ, जो MC लिए हुए हैं उनके लिए सुविधा है, 10 किलोमीटर के अंदर अगर कहीं भी गाड़ी उनकी बंद हो जाती है तो मेरे यहाँ से मैकेनिक जाएगा, उसको निःशुल्क में गाड़ी को स्टार्ट कर देगा, ठीक है, और फिर वापस चले। धन्यवाद। जो ये पार्ट प्रोजेक्ट दिखाया हमारे दर्शकों को और ये जो किस तरह से बताया, तो ये लगातार कितने दिन से यहाँ पर अभी खुला हुआ? ये तो 5 तारीख से शुरू हुआ। 5 तारीख से शुरू हुआ। कितने बजे यहाँ खोलने का आया? खुलने का टाइम है 9 बजे और बंद होने का टाइम है 6:30-7, जैसे काम रहता है उस हिसाब से। प्रतिदिन खुल रहा है या फिर? प्रतिदिन खुल रहा है। किस तरह से यहाँ पर काम किया जाता है, कौन सी गाड़ियाँ का काम हो रहा है यहाँ पर? यहाँ तो सब गाड़ी का काम होता है, चार पहिया वाहन का भी जी।
चार पहिया जो वाहन है उनका सिर्फ टू व्हीलर का, टू व्हीलर का सर्विसिंग किस तरह से किया जाता है? सर्विसिंग पहले गाड़ी आती है तो उसको वॉश करते हैं, उसके बाद गाड़ी को ट्राई करते हैं, गाड़ी में जो प्रॉब्लम रहता है वो प्रॉब्लम को सामान भी लोगों को यहाँ पर बाजार से कम उचित दाम में मिल जाता है कि सामान भी बाहर से लाना पड़ता है आप लोगों को? सामान जैसे मेरे पास तो सारा सामान उपलब्ध है, अब उतना तो नहीं है, जो थोड़ा बहुत कम पड़ जाता है तो बाहर से ही लाते हैं। अच्छा, गाड़ी जो सर्विसिंग होती है उसकी क्या चार्जेस वगैरह अभी लग रहा है? वो तो हम लोग को सिर्फ काम करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है सद्दाम। कितने आदमी यहाँ पर काम करते हैं आपके? यहाँ पर लमसम में है 10-12 वर्कर हैं सब मिला। आपने देख रखा है ऑटोमेटिक सारा मशीन मेरे पास है, जो भी है मैनुअल कोई काम नहीं है, सारा मशीन के द्वारा किया जाता है। और सर्विसिंग जो गाड़ी धुलाई होता है वो किस माध्यम से किया जाता है? हमारे यहाँ सबसे बड़ा चीज़ देखिए, एक अच्छा प्रश्न आप किए, जो हमारे यहाँ सबसे अलग हटके बाजार बेगूसराय में अलग हटके फोम से वॉशिंग किया जाता है, और वो भी मात्र 30 रुपया में। गाड़ी आप ले आइए, फोम से वॉशिंग करा लीजिए मात्र 30 रुपया में। ये हमारे यहाँ जो शोरूम कितने दिन पहले खुली है या अभी नया है? अभी नया ही है बेगूसराय के लिए, ये बेगूसराय में पिछले एक महीना पहले ओपनिंग हुआ है, और ये अभी नया चार्जेज है यहाँ का जो बाइक पहली बार अगर आती है तो? जैसे हम लोग का सर्विस चार्ज बाज़ार से सस्ता है, ठीक है। सबसे बड़ा चीज़ मैं आपको एक जानकारी दूँ, जो कोई भी गाड़ी आप खरीदने जाते हैं तो कोई उस गाड़ी का पार्ट्स का वारंटी गारंटी किसी में 4 साल किसी में 5 साल रहता है, और बाज़ार में आप फुटपाथ पे मतलब कहीं जनरल दुकान में कराते हैं तो वो आपका पार्ट्स का वैलिडिटी ख़त्म हो जाता है। यहाँ अगर सर्विसिंग आप कराते रहते हैं तो यहाँ जो भी आपका वारंटी गारंटी है वो आपका मतलब बरकरार रहेगा, आपका वो आपका फेल नहीं होगा, और एक छत के नीचे सभी गाड़ी का आपको ये सुविधा मिलेगा। ये अभी जो है रतनपुर से गांधी शिक्षण संस्थान के बगल में है। हम लोग का सर्विस चार्ज के बारे में आप पूछे जो क्या रेट आपका है, जैसे हम लोग का सर्विस चार्ज 279 रुपया फिक्स, मतलब सर्विस चार्ज हम लोग बाइक पर गाड़ी पे लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग का एक कंपनी का स्कीम चल रहा है उसके रेट में AMC, ठीक है। तो उसमें क्या है, 849 रुपया अगर आप देते हैं, 849 का एक AMC लेते हैं तो आपको एक बुक दिया जाता है। उस बुक में आपको साल भर में 3 सर्विसिंग फ्री है। अच्छा। साल भर में आप कभी भी 3 सर्विसिंग फ्री करा सकते हैं। इसके अलावा आपको इंजन ऑयल जितना भी लेते हैं आप, साल में जितना बार भी इंजन ऑयल उस गाड़ी के लिए लेते हैं उसमें आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाता है। ये स्कीम कितने दिन तक है? ये अभी तो चालू हुआ है। अच्छा, देखिए वो तो कंपनी का इच्छा है कब तक रहे। और दूसरा चीज़ है, इसमें आपको पूरा मैं बता रहा हूँ, 849 अगर आप देते हैं तो 3 साल भर में 3 सर्विसिंग फ्री है, ठीक है। इंजन ऑयल में 10% डिस्काउंट है। इसके अलावा पार्ट्स में आपको छूट दिया जा रहा है। लेबर चार्ज में जैसे इंजन के अलावा, मतलब सर्विस के अलावा जो भी साल भर में इंजन का वर्क कराते हैं या अदर वर्क कराते हैं तो मैकेनिक चार्ज में भी 25% डिस्काउंट आपको मिलेगा। इसके अलावा साल भर में 4 वॉशिंग और पॉलिश फ्री में मिलेगा। इसके अलावा आपकी गाड़ी 10 किलोमीटर के अंदर कहीं भी बंद हो गई हो तो यहाँ पर अगर कॉल करते हैं तो मेरा मैकेनिक यहाँ से जाएगा आपके घर तक, आपके जहाँ भी आपका गाड़ी। ये राहुल भैया जो बताए यही के जो ऑनर थे, और आपने सभी दर्शकों को बताया कि किस तरह से यहाँ पर सर्विसिंग किया जाता है, धुलाई किया जाता है। और बात है कि बेगूसराय में पहली बार 2 चक्के वाहन जो हैं या 4 चक्के भी वाहन जो हैं उनको धुलाई के लिए फोम से किया जाता है। तो बेगूसराय में पहली बार गांधी शिक्षा संस्थान रतनपुर रोड में खुला हुआ है, तो आप लोग भी यहाँ पर आकर यहाँ पर गाड़ी का सर्विसिंग करा सकते हैं। और एक MCV बुक भी दिया जाता है जिसमें आप लोगों को कहीं 10 किलोमीटर की दूरी पर गाड़ी बंद हो जाए तो यहाँ के मैकेनिक जाते हैं और फ्री में गाड़ी ठीक करके आप फिर आ जाएंगे। तो आप लोग लगातार BNP न्यूज़ के साथ बने रहिए। मैं हूँ आपके साथ शिवम कुमार, देखते रहिए हर पल की खबर आप तक।